हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, घर में भूलकर भी ना लगाए ये पांच पौधे माने जाते हैं अशुभ, होती है धन की हानि। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे लगाने से घर की सुंदरता बढ़ती है और वातावरण अच्छे से हो जाता है। कई पौधे घर में रखना शुभ माना जाता है और लोगों की तरक्की होती है। दोस्तों, हालांकि वास्तुशास्त्र में कई पौधे को घर में रखना बेहद अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इन पौधों को लगाने से भी बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से पांच पौधे हैं जिन्हें लगाने से आपके घर में नकारात्मकता फैल जाती है, यानी कि आपका कोई भी काम नहीं बनता है, धन की हानि होती है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, कैक्टस का पौधा। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार कैक्टस घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाता है। ऐसा माना जाता है कि पत्तियों पर कांटेदार और नुकीले काट में नकारात्मक ऊर्जा होती है। कैक्टस का पौधा घर में दुर्भाग्य ला सकता है और साथ ही परिवार में तनाव और चिंता भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये घर से तुरंत हटा दे। तो दोस्तों, नंबर दो, कपास का पौधा। घर के अंदर कपास का पौधा लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कपास के पौधे अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, घर के अंदर लगाने पर दुर्भाग्य लाते हैं। अधिकतर लोग अपने घर के डेकोरेशन के लिए कपास के पौधे पर घर में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार कपास के पौधे आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर संकट लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये घर से तुरंत हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर तीन, बोनसाई का पौधा। जी दोस्तों, घर में बोनसाई के पौधे को लगाने से भी वास्तुशास्त्र में साफ मनाई है। वास्तु के अनुसार घर में ये पौधे लगाने से घर के सदस्यों के बीच जिंदगी में बाधाएं पैदा होती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इससे घर परिवार या करियर में आपके बाधाएं उत्पन्न होती है, व्यवसाय में मंदी का कारण बनती है। तो दोस्तों, ये पौधा बहुत ही अशुभ होता है। तो दोस्तों, इस पौधे को घर से तुरंत हटा देना ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर चार, इमली का पौधा। दोस्तों, घर के अंदर निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, इसलिए इन्हें घर के आसपास या अंदर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा वातावरण में नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है और मानसिक शांति को बाधित कर देता है। दोस्तों, इसे लगाने से घर में हमेशा डर और भय की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में इस पौधे को घर से तुरंत बाहर निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर पाँच, मेहंदी का पौधा। दोस्तों, घर में नहीं रखना चाहिए मेहंदी का पौधा। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि इन पौधों में बुरी आत्माएं का वास होता है और घर में इन पौधे को रखने से घर में कलह फैल जाती है। दोस्तों, इन पौधे की गंध बहुत तेज होती है और ये मानसिक शांति और घर के पूरे माहौल को खराब कर सकती है। दोस्तों, अगर आपके घर में ये पौधा लगा हो तो उसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से ये पांच पौधे हैं आपके घर से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों आपके सेहत के लिए, आपके दोस्तों करियर के लिए, व्यवसाय के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये पौधे तुरंत हटा दें। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ सावधानियां बरतते हैं तो आपके करियर में रुकावटें नहीं आएगी, व्यवसाय में रुकावटें नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से पौधे तुरंत हटा दें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।